सर, जैसे हम आपके बहुत बड़े फैंस हैं, वैसे सर आप किसके फैन रहे हैं? एक ही महान शख्सियत है, दिलीप साहब। नौकरी करता, साइकिल पे आता जाता है, फिल्मी पोस्टर्स में अपनी झलक देखता, रातों को जागता, अनहोने ख्वाब देखता और सुबह उठकर आईने से पूछता, मैं दिलीप कुमार बन सकता हूँ क्या? Oh my God! क्या बात है? और मेरी चाहत का जवाब दिलीप साहब ने सगों से भी ज्यादा दिया मुझे, प्यार, बेपना प्यार करते थे वो मुझे। एक्टर तो थे ही वो ग्रेट, लेकिन इंसान भी महान है वो। इन रिश्तों के नाम नहीं होते जी सर, लेकिन ये सगों से भी गूढ़े रिश्ते होते हैं। एक दफा का जिक्र सुनाता हूँ मैं जी सर। शायरा मुझे फोन कर देती थी कि धर्म बिरयानी बनी है। मैंने कहा आया, चला गया मैं, तो दिलीप साहब दो चम्मच मुझे डालते थे, तो चार खुद डाल लेते थे। और शायरा देखती थी ये, तो वो ऐसे प्लेट छुपा लेते थे। अच्छा, मैंने कहा ये मैं चलता हूँ दिलीप साहब। और बह नहीं यार, चला जाए की करेंगे जाके, बह ना बह। और मेरा हो गया सी टाइम। जी सर। जी सर। और दिलीप साहब ने भांप लिया जी, मोहब्बत इसको कहते हैं। मैंने कहा विस्की पिएगा थोड़ी, विस्की पीनी है? नहीं जी, नहीं 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 कोई, अरे मालूम है इतने में बोतल आ गई जी सर। तो अब मैं उनका पैक बनाने लगा ऐसे ऐसे से, तो इतनी सी डाली थी, बस 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 धर्म बस बस। अब मैं अपना पैक कैसे बनाऊं? वो इधर उधर देख रहे थे, तो मैंने टेबल के नीचे अपना गिलास आधा भर लिया और गिलास नीचे ही रखा। मैं जाट, वो पठान, तो जाट में चुपके से मार के फिर नीचे कर लेता था। यार है उनका, बस दुआ कीजिए वो उनकी सेहत अच्छी हो जाए जी सर, वो सेहतमंद हो जाए, ठीक रहे यार। बिल्कुल सर, बिल्कुल। रोज लेट्स ऑल प्रे फॉर, वी प्रे फॉर दिलीप सर्स स्पीडी रिकवरी। थैंक यू रोहित, वेरी वेल डन।